जहाँ तक बात है पेन्स की, तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों पेन्स वही हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे, ब्लू कलर के बड़े अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मेगा अनबॉक्सिंग ही आप कह सकते हैं, ये 7 पैकेट्स हैं, ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा ये कौन सा सेलर कौन सा है जी? ये आप देख सकते हैं AK कलेक्शंस के नाम से है और ये कराची का कोई सेलर है। इसके अंदर मैंने ऑर्डर क्या किया, तो इसके अंदर मैंने ऑर्डर किए हैं पेन्स और पेन्स के साथ मैंने ऑर्डर किया एक सिम इजेक्टर टूल, और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। तो मैंने पता नहीं सीज़र कहाँ पर रख दिया, चलें कोई बात नहीं, सीज़र मैं बाद में उठा लूँगा। इसको यहाँ से ऐसे करके ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से जो चीज़ इन्होंने कमिट की थी वो निकलती है या नहीं निकलती। वैसे ऐसे खोलना नहीं चाहिए, खैर कोई बात नहीं। तो लें जी, ये दो चीज़ें आ गई इसके अंदर से, एक डिब्बा आ गया। पेन तो यही वाले मैंने ऑर्डर किए थे दो, देखते हैं इसके अंदर से यही वाले निकलते हैं या नहीं निकलते। तो ओके जी, तो नाइस, पेन तो यही निकले हैं। पेन्स जहाँ तक बात है पेन्स की, तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों पेन्स वही हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे, ब्लू कलर के बड़े अच्छे से। पेन्स के मामले में तो इन्होंने दो नंबर ही नहीं की। तो ओके, ये हो गया जी, नाइस। और जबकि अगर देखा जाए तो सेम टूल इन्होंने जो भेजा है वो ऐसे के भेजे हैं और दो भेज दी हैं, लेकिन ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है और ये जो मैं वो शायद वापस करवा दूँगा। तो कोई बात नहीं, इसके रिटर्न करवा दूँगा ताकि देखते हैं। तो ये देखें जी, 43 रुपीज़ का जो था ये सेम टूल था और 79 रुपीज़ का जो है ये पेन अवेलेबल था। और अगर आप इसका देखें तो ये इस तरीके से, ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मुझे कितने का कॉस्ट किया, 22 रुपये में कॉस्ट किया था, क्योंकि सेलर का ना एक 100 रुपीज़ ऑफ वाला वाउचर था। अभी देखता हूँ तो अभी भी ये जो है सेलर का 100 रुपीज़ वाला वाउचर जो है अवेलेबल है, कलेक्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी कलेक्ट करके जो है वो यूज़ कर चुका हूँ। तो ये दो चीज़ें थी, तो ये जो सेलर ने मुझे जो है वो सेंड की हैं। अब देखते हैं इसके अंदर बाकी, तो ये तीन तीन मैंने ऑर्डर किए थे, मैं बाकी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, तो इसका मैंने ट्रैक पैकेज आपको दिखा, दोनों एक ही में आई हैं। ट्रैक पैकेज में जाके देखते हैं, तो ये देखें जी, 26 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था, सॉरी 25 तारीख को ऑर्डर किया था, 26 तारीख को इन्होंने, क्योंकि 25 तारीख को तो छुट्टी थी, 26 तारीख को इन्होंने शिप किया। 28 तारीख को ये शिप पिकिंग के लिए अवेलेबल था, क्योंकि 27 को जो है वो छुट्टी थी और 28 को जो है वो मंडे था, और मैंने ट्यूसडे को जाके जो है वो पिक कर लिया। आपको एक लम्हे का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है कि मेरी कैंची जो है वो थोड़ी सी दूर पर ही है, मैं उतनी देर एहतियात से कैंची उठा लाऊँ तो मैं जो है वो बाकी भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ओके जी, सॉरी मैं कैंची उठा लाया हूँ। तो लें जी, ये तो इसके अंदर ये वाला तो फ्रॉड है, ये बाकी चीज़ इसके अंदर ही डालता हूँ। दूसरे वाला ओपन करते हैं, इसके अंदर से क्या निकलता है, होपफुली इसके अंदर से भी चीज़। तो ये ओके, नाइस, ये दो सिम इजेक्टर टूल आ गए, पर ये फ़र्क है, इनको मुझे वापस करवाना पड़ेगा। ये दो पेन इन्होंने इस तरीके से, ये गत्ते के TCS का बॉक्स है जिसके अंदर डाल के भेजनी है, देखता हूँ कि वही पेन हैं या नहीं है। हाँ जी, पेन तो वही हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, डॉलर के हैं वो 717i। तो ये तो दोनों पेन यही वाले अवेलेबल हैं। ये इसके अंदर पता नहीं लिक्विड सा कोई भरा हुआ है, हाँ इट लुक्स लाइक जैसे इसके अंदर कोई लिक्विड है, वो शायद मेरे ख्याल से फ्रिक्शन के लिए उन्होंने डाला होता है, या मुझे उसकी रीज़न। ये पेन आप देख सकते हैं, पेन तो बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ से आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। तो वो जो डॉलर की रिडियम टिप है वही वाले हैं, लेकिन फ्रॉड जो है यहाँ पे सेलर ने ये सिम टूल के मद में किया। दूसरे के अंदर से भी यही आया, तीसरे वाला ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से सेलर ने क्या किया। तो ये लें, तो अगेन हमारे पास सिम टूल जो है वो ख़राब निकला है। सिम टूल ये देखें जी ऐसे का निकल आया, इसको मैं वापस करवाऊंगा। ये दो पेन हैं जो कि हमें बाहर झांक रहे हैं, ज़बरदस्त, ये ब्लैक और ब्लू आ गए, गुड हो गया। इन दोनों चीज़ों को मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ। ये वाला ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या सिनेरियो है। ओके, तो ये एक, अच्छा एक और एक, ये दो आ गए। और जहाँ तक पेन की बात है तो ये पेन इन्होंने ऐसे का सेंड कर दिया, इसके अंदर दो होंगे, हाँ जी जी दो मौजूद हैं।
पेन्स तो दो मौजूद हैं 22 रुपये में, वैसे ही मेरे ख्याल से ये एक पेन ही 22 रुपये का होगा, इन्होंने 2 सेंट कर दिए, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ अगेन मुझे वापस करवानी पड़ेगी। ओके हो गया, इस वाले को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या सिनेरियो है। ये अगेन वही सिम टूल आ गए पुराने वाले, और ये दो पेन होपफुली सही ही होंगे। ये दो पेन भाई फादर हमारे पास पहुंच गए, एक ब्लैक और रेड वाला है, ये आप देख सकते हैं। इसको इसके अंदर डालते हैं, ये लिया। तो सारे तकरीबन ना मुझे सेम 22 रुपये की कॉस्टली है, बस मुझे मसला जो है वो सिम टूल का है। इसको ओपन करते हैं, तो इसके अंदर से भी ये आ गया हमारे पास सिम इजेक्टर टूल, और ये आ गए हमारे पास दो पेन। चिपक गए हैं शायद साथ, एक और एक दो। खैर ये आप देख सकते हैं दोनों ब्लैक वाले हैं, और ये एक सिम टूल आ गया। सिम टूल जो है वो मुझे वापस करवाना पड़ेगा। ये ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या सिनेरियो है जी। ये देखें अगेन जी, ये इसके अंदर से हमारे पास एक निकला है ये, और ये आप देख सकते हैं बाकी जो है वो ये यहाँ पर। इसको ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी दो पेन होंगे, पेन तो सही आए हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला जो था वो उस जगह पर था। तो ये देखें जी, ये दो पेन सही हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर डिटेल्स वगैरह भी सारों की। ये ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं, एक के ये हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और लास्ट ये जो पहले नंबर पे ओपन किया था। तो बाकी जी ये था, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामुअलैकुम।